नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाना बताते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए जो ड्राई मसाले हमें चाहिए वो इस तरह से हैं। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, ये नमक स्वाद अनुसार है, ये अदरक है कटा हुआ 1 इंच का, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये 15-20 लहसुन की कली है, ये धनिया पाउडर है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जियों में देखिए, हमको मिक्स सब्जी जो चाहिए वो इस तरह से, ये मटर है, ये हरी मटर है, इसको हमने छील लिया है, ये 1 कप मटर है, ये 4-5 पीस फूल गोभी के हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये 2 गाजर हमने काट लिया है इस तरह से, ये हरी मिर्च है, हम लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हम पाउडर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये शिमला मिर्च है जिसको हमने इस तरह से काटा है, ये 2 टमाटर है, ये 2 प्याज है, और ये 1 छोटा पत्ता गोभी है, ये 3 बड़े आलू हैं जो हमने इस तरह से काटे हैं, और ये पत्ता गोभी हमने इस तरह से काटा है। चलिए आइए इसको अब हम बनाते हैं। ये गैस हमने ऑन कर लिया है, इस पर हम कढ़ाई रख देते हैं, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल, ये तकरीबन हमने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल को हम गरम होने के लिए रख देते हैं। देखिए, ये तेल गरम हो चुका है, आइए हम इसमें पहले लहसुन डालेंगे। अब इसको हम हल्का सा चला लेंगे, फिर हम इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए लहसुन का, फिर हम इसमें ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है हल्का सा। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, इस प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे सेलो फ्राई, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। देखिए, ये हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकती हैं अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो। ये इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं, हम धनिया पाउडर डालते हैं इसमें, ये हल्का सा भुन जाए। अब हम इसमें ये टमाटर डालते हैं, अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे क्योंकि टमाटर गल जाएगा तब अच्छे से, नमक डालने से जो इसकी हीट है वो बराबर से लगती है। अब ये देखिए, ये मसाला मेरा भुन चुका है, आइए अब हम इसमें ये गोभी डालेंगे, ये हमने गोभी डाला है, ये गाजर डालेंगे, ये मटर हम डाल देंगे, देखिए खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, ये शिमला मिर्च हमने डाल दिया, कलरफुल लग रहा है। अब आइए इसमें हम आलू डालते हैं, ये हमने आलू डाल दिया इसमें, अब इसको भी हम चला देंगे। अब इसमें हम ये पत्ता गोभी डालते हैं, इसको हम चला देंगे, गैस की फ्लेम धीमी रहेगी। अब आइए इसमें हम नमक डाल देते हैं, ये हमने 1 चम्मच नमक डाला है, आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, इसको हम अच्छे से चला के ढक देते हैं, ये कम से कम आधे घंटे 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब इसको हम खोल के देखते हैं, देखिए ये जो पानी है इसमें, ये इसी पानी में ये पकेगी सब्जी, पानी हम अलग से नहीं डालेंगे इसको। इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, देखिए 15 मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट, आइए इसको खोलते हैं। अब हम ये सब्जी हमारी पक चुकी है, देखिए ये अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए ये आलू देखिए ये गल चुका है, ये गोभी भी गल चुकी है। अब आइए इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, अब इसको हम मिला देते हैं, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं, ये अब इसको हम खोलते हैं,
इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऊपर से डालेंगे और इसको अब हम एक बाउल में डिश आउट करेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।